हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 14 मार्च 2018 को इवनिंग शिफ्ट के जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए, एक क्वेश्चन देखा गया भूटान से रिलेटेड ही, जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन भूटान से रिलेटेड था और इवनिंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन भूटान से रिलेटेड देखा गया। तो एक तरह से एक सिमेट्री बन रही है, तो जितने भी पड़ोसी मुल्क है उनसे रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि भूटान ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, भूटान ने जो अपना संविधान है वो कब अपनाया। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, भूटान ने अपना संविधान अपनाया था 18 जुलाई 2008 को अपनाया था, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और इससे रिलेटेड मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन देखा गया वो देखा गया भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो इसका राइट आंसर था जोड़खा। और इससे पहले भी हमने काफ़ी शिफ्टों में भूटान से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं कि भूटान के फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन भी था कि इसके बैकग्राउंड में टोटल कितने कलर होते हैं, या फिर ये जो ड्रैगन होता है वो कौन से देश के फ्लैग में होता है। तो एक तो फ्लैग से रिलेटेड, एक ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड और उनके संविधान से रिलेटेड जितने भी भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनसे उनके क्वेश्चंस आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप जरूर देखकर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एशियन मेंबर। चार ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, इनमें से कौन सा एशियन मेंबर नहीं है। तो एग्जैक्ट हमारे ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, बट हम आपको ये बता देते हैं एशियन मेंबर टोटल कितने हैं और साथ साथ एशियन की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए एशियन की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और टोटल इस एशियन में टोटल 10 मेंबर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो आपने ये बताना था कौन सा एशियन मेंबर नहीं है, तो जो इनमें है वो आपका आंसर नहीं होगा। इनके अलावा जो फोर्थ वन था जो एशियन का मेंबर नहीं था वो आपने सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पन्नालाल घोष जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया कि पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो गाइस बड़े ही फेमस हस्ती है ये जो पन्नालाल घोष जी, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा बांसुरी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा गया, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ब्लैक हिल माउंटेन्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जितने भी हिल है कौन सी कंट्री में लोकेट है, किस देश में है। तो गाइस इस चार ऑप्शन आपको दे रखे थे, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। तो साथ ही साथ आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा देते हैं जो आने वाली शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो इसका आंसर आपने, अगर क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इसका आंसर होगा एंडीज। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एंडीज रेंज है जो कि अभी हमने डिस्कस किया वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, उस एंडीज रेंज पर हाईएस्ट पीक कौन सा है, पीक पॉइंट कौन सा है। तो फर्स्ट आंसर वो होगा एंका कागुआ। तो ये दो क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो इवनिंग शिफ्ट में आज जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे पास आया है। क्वेश्चन है एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है, किसका सम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं या फिर एटॉमिक मास बोल सकते हैं, मास नंबर बोल सकते हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का सम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इज सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखा गया था, विच हड़प्पा प्लेस इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। एक इस तरह से क्वेश्चन हमारे व्यूअर ने लिखकर भेजा है जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में, कि इनमें से हड़प्पा प्लेस इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, हड़प्पा का कौन सा प्लेस गुजरात में लोकेट नहीं है। तो ऑप्शंस इस क्वेश्चन का भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम बात करें गुजरात में लोथल या फिर धोलावीरा या फिर सुरोकोटा या रंगपुर, ये सभी के सभी जितने भी हड़प्पा प्लेस है ये सभी गुजरात में ही है। तो इनके अलावा जो होगा वो गुजरात में नहीं होगा, आप डायरेक्ट ही देख के बता दोगे कि इनके अलावा जो था वो राइट आंसर होगा। और लोथल की जो खुदाई का जो श्रेय जाता है वो जाता है एसआर राव को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट शिफ्टों के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 फिजिक्स का न्यूमेरिकल, ये हम एक या दो दिन पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सोनार रेज की स्पीड है 1000 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम आपको गिवन है 2 सेकेंड डिस्टेंस निकालना है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी समुंदर में अगर हमने उसकी डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सोनार मेथड यूज करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से रे ट्रांसमीटर से रे पास करते हैं तो जैसे ही रे लास्ट तक जाएगी फिर वो वापस ट्रांसमिट होकर रिसीवर को वापस रिसीव होगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो डी प्लस डी डिस्टेंस, सिंपल डी के बजाय 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो स्पीड जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बट सोनार के केस में इस सिस्टम जो हम डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं सी की, उस केस में जो स्पीड जो होगी डिस्टेंस बाय टाइम की बजाय 2 × डिस्टेंस बाय टाइम होगी, क्योंकि डिस्टेंस वहां पर डबल हो गया है। तो जब हम ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे, स्पीड हमें गिवन है 1000 इज इक्वल टू 2 × डिस्टेंस, टाइम है हमारे पास 2, तो जब हम उसको सोल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आएगी 1000 मीटर, 1000 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो इवनिंग शिफ्ट में देखा गया एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन भी हमें नहीं पता लगा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन था, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगर डेल्टा क्वेश्चन था गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलकर जो डेल्टा बनाते हैं उसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन जो देखा गया इससे पहले सेकंड शिफ्ट की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने बताया था 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और देखा गया इवनिंग शिफ्ट में, तो आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं। 73rd अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की। लेकिन जो 74th अमेंडमेंट है वो क्या स्पेसिफाई करता है, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी। देखिए 73rd अमेंडमेंट तो पंचायत की अथॉरिटी को स्पेसिफाई कर रहा है और 74th जो अमेंडमेंट है वो म्यूनसिपैलिटी की पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफाई कर रहा है, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस इवनिंग शिफ्ट में देखा गया। और जो 73rd अमेंडमेंट वाला है वो 11th शेड्यूल में है और 74th अमेंडमेंट वाला 12th शेड्यूल में। टोटल कितने शेड्यूल होते हैं, टोटल होते हैं संविधान में 12 शेड्यूल, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखा गया उपनिषद इज रिलेटेड टू, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आया मेमोरी बेस्ड कि उपनिषद किससे रिलेटेड है, फिलोसफी से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या आई थिंक ऑप्शन पाएगा रिलीजियन से रिलेटेड है। तो जहां तक बात करें उपनिषद की तो इसका राइट आंसर होना चाहिए रिलीजियन से रिलेटेड होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखा गया, 63 को इसने लिखा 105, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसमें हमें कमेंट करके बताइए इस रीजनिंग के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताइए, 63 को 105, 44 को ये क्या लिखेगा। तो ये हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजा है। तो मैथ के क्वेश्चनों की अगर बात करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है 2। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 2 केवल तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू हमारे पास होगी 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी x प्लस 1/x 2 होता है। तो जिसकी भी वैल्यू हमने निकालनी है जस्ट आप x की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, माइनस 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 माइनस 1, तो इसका आंसर आ रहा होगा हमारे पास 0। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा गया, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। अगर हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड ही, क्वेश्चन नंबर 14 एज से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी थी कोस 45 की वैल्यू। एक और क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा था, ट्रेन 270 मीटर एंड 450 मीटर टनल को 15 एंड 18 सेकेंड में
पार करती है तो स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। तो जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आए, जितने भी व्यूअर्स ने हमें भेजे, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो क्वेश्चंस अगर आपको अब भी ध्यान आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, कि हम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।